हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सर, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का कोर्स। सर बिल्कुल, हम इकोनॉमिक्स जो है वो आपके लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल एकदम समराइज्ड वे में और एकदम बेस्ट वे के अंदर आपको करवाने वाले हैं सर। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको सर वीडियो अच्छा लगे तो सर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक ना करने से कुछ ऐसे लोग जिनको वीडियो से मतलब भी नहीं है वो वीडियो को जरूर से डिसलाइक करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा देंगे। तो जरूर से आप भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा। इकोनॉमिक्स को हम बिल्कुल आपका जो कोर्स है एनटीए नेट कॉमर्स का उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर हम, आपको पता है हमारा जो नोट्स बनाने का तरीका कैसा है, सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं और टॉपिक के जस्ट बाद में हम एमसीक्यू ले लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट्स होता है, टॉपिक्स के साथ साथ आपका एमसीक्यू कवर अप हो जाता है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना कैसे है, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी सर। तो मैंने इन टॉपिक्स के साथ आपके एनटीए नेट कॉमर्स के क्वेश्चंस को ऐड किया है, साथ ही साथ इन टॉपिक्स के अंदर मैंने जो सीपीटी के जो क्वेश्चन है सर उनको भी ऐड किया है सर, ताकि आपको ज़्यादा एमसीक्यूज मिल सके, वो भी एग्जाम में आए हुए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो भी आपको मिल सके सर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना कोर्स। तो देखिएगा, यह है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स सर। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब और इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है वो चीज़ें हम देखेंगे। सेकंड आता है डिमांड वाला चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है आपका कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। फोर्थ चैप्टर है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड, और फिफ्थ चैप्टर है आपका कॉस्ट से रिलेटेड, और सिक्स्थ चैप्टर है आपका मार्केट से रिलेटेड, और सेवन्थ चैप्टर के अंदर मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है वो है सर मिसलेनियस, जहां पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के और भी जो पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस रेज होते हैं वो हम वहां पर कवर अप करने की कोशिश करेंगे सर। तो आज हमारा जो पहला जो चैप्टर है उसको हम यहां पर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सर वीडियो अच्छा लगे तो सर लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ सर जरूर से इसको शेयर कर दीजिएगा सर। आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 सातों के सातों चैप्टर्स मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन होगा, लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज, इतने सारे एमसीक्यूज होंगे आपके सामने कि उसके बाद में ना तो आपको टॉपिक्स करने की रिक्वायरमेंट है कहीं से, ना ही आपको एमसीक्यू करने की रिक्वायरमेंट कहीं से पड़ेगी सर। जो स्पीड रहेगी सर वो आपके लिए ना तो ज़्यादा स्लो रहेगी ना ही ज़्यादा फास्ट रहेगी सर, उतनी स्पीड रहेगी कि जितना आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे के लिए समझ में आ जाए सर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स सर एक तरह की सोशल साइंस है सर। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक तरह की सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जो समाज के अंदर जो लोग रहते हैं ना उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है, जो समाज में जो सोसाइटी में जो पर्सन रहते हैं ना हम उनकी स्टडी करते हैं कि यार समाज के अंदर जो पर्सन रहते हैं यानी कि हमारी है ना, कि हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे उसकी डिमांड कम कर देंगे, किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो गई तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। और सेकंड लाइन लिखी गई कि सर इकोनॉमिक्स जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिस जो मनी से रिलेटेड होती है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हमने इकोनॉमिक्स के अंदर शामिल किया है। आप डे टू डे लाइफ के अंदर काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं केवल और केवल उन्हीं को इकोनॉमिक्स में जगह दी गई है। ये कहता है कि सर इन्हीं चीज़ों से हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब किस लिए कर रहे हो सर, रुपए पैसे के लिए कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होगा, हमारा देश का डेवलपमेंट होगा सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो
कि आप रुपए पैसे के लिए नहीं करते हो, घर पर जाते हो, मम्मी ने आपको गर्मा गर्म खाना खिला दिया सर, तो गृहिणी की जो सेवा आती है वो किसके अंदर आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती है। रास्ते से गुजर रहे थे, एक वृद्ध महिला थी, वो भी रास्ता क्रॉस करना चाहती थी, आपने उसका हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवा दिया। रास्ता क्रॉस करवाने के बाद में क्या आप उससे बोलोगे कि लाओ 10 रुपए दो हमको, नहीं सर। तो वहां पर आपने जो एक्टिविटी की है वो कौन सी, एक तरह की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां से रुपए पैसे लेने से, रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आप फेसबुक के ऊपर चले गए, आपको 1.5 GB डेटा मिल गया, आप अंधाधुन जितनी पोस्टें आपने अपने खुद के बारे में नहीं डाली, जितनी पोस्टें आपने अपने परिवार के वालों के बारे में नहीं डाली, उतना आपने एक भक्त बन के डाल दी सर, उतनी सारी पोस्ट है सर, है ना। कुछ भी हो, खुद को तो आपने बड़ा बना दिया, खुद की पार्ट, खुद को तो जिसका सपोर्ट करे उसको तो आपने बड़ा बना दिया, और सामने चाहे कोई भी आ जाए, सामने वाले सारे के सारे मूर्ख, हम समझदार सर, सारी सर जितनी भी जो पोस्टें मिल रही थी आपने सर शेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्या रुपए मिले आपको सर? नहीं सर, रुपए नहीं मिले। 15 लाख रुपए वाला तो एक जुमला था सर, जैसे कि 72,000 वाला भी एक जुमला था सर, है ना, रुपए आपको नहीं मिले। तो ये आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो कौन सी एक्टिविटी है सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर। और प्लीज सर, ये जितने भी जो पॉलिटिकल जो एग्जाम्पल देता हूँ, इसका केवल और केवल जो मतलब होता है वो आपको समझाना है टॉपिक्स को। आई एम नॉट लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स सर, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज़ जो आजकल ये जो चल रहा है एक चलन की, जो भी एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, वो एंटी नेशनल हो जाएगा सर, तो प्लीज़ ऐसा मेरे को मत मानिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल थोड़ा सा चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड वाले टॉपिक के अंदर। इतना अच्छा एग्जांपल दूंगा, इतना अच्छा एग्जांपल दूंगा कि आप इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो सर वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा, आप वीडियो को जरूर से आप पूरा देखिएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है सर? देखो सर, इकोनॉमिक्स जो स्टार्ट ही होती है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो स्टार्ट ही होती है ह्यूमन वॉन्ट से सर, वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है? ह्यूमन वॉन्ट से। ह्यूमन वॉन्ट्स मतलब कि आपने किसी चीज़ को चाहा, आपने फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए, आपने उस पूरी चीज़ को पूरा करने के लिए क्या किए? एफर्ट्स किए सर। एफर्ट्स कैसे किए? आपने उस चीज़ को किस में कन्वर्ट किया? डिमांड में कन्वर्ट किया सर। डिमांड में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिमांड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है कि आप उस चीज़ को चाहते हो, और आफ्टर दैट आप उस चीज़ को पाने के लिए आपके पास रुपए होने चाहिए, और उस रुपए को आप खर्च करने चाहिए। तीनों चीज़ें आपकी डिमांड को पूरा करती है सर। पहला तो आप किस चीज़ को चाहते हो, उसके बाद में आपके पास रुपए होने चाहिए, और उस रुपए को खर्च करने की आपकी इच्छा भी होनी चाहिए सर। और सर रुपए खर्च कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराइज। तो इससे क्या अराइज होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराइज होती है सर। तो इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सर वो क्या होता है? वॉन्ट। तो वॉन्ट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। वॉन्ट्स से आपके एफर्ट्स होते हैं, मतलब आप उसको डिमांड में कन्वर्ट करते हो। आफ्टर दैट डिमांड करने के बाद जब आप उसको कंजम्पशन करते हो तो आप उससे सेटिस्फेक्शन लेते हो कि आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है सर। This is the subject matter of economics. This subject matter of economics divided into the 4 parts. अब देखो economics के पूरे subject matters को हम 4 parts में divide कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपके लिए क्या होगा? Production होगा। सबसे पहले क्या होगा? Production होगा। Production का मतलब क्या होता है कि जो भी resources होते हैं हम उनका utilization करके, हम उनका use करके क्या बना रहे हैं? Goods और services को क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्शन। अब सर कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज ले सकते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए सर 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को सर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हो, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो जो लैंड होता है उस, अब जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी उसके रिटर्न के बदले में कुछ दिया जाता है, मतलब कि हम इनका यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। अगर आप यूज़ करते हो तो रिटर्न में आप भी तो उसको कुछ देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का कोर्स लेकर आ रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे क्या करोगे सर? सब्सक्राइबर, आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बनोगे सर। तो जैसे ही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं उनको रिटर्न के अंदर कुछ ना कुछ दिया जाता है। जैसे कि लैंड होता है, लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजर एंटरप्रेन्योर के ऊपर क्या मिलता है? प्रॉफिट। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या करते रहना चाहिए सर? इनोवेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इनोवेशन जितने करेंगे उतना ही उसको
प्रॉफिट ज्यादा होगा और उतना ही सोसाइटी का फायदा होगा सर। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चंस खूब बार पूछे जाते हैं सर, लैंड के यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं और उसके रिटर्न के अंदर उनको क्या मिलता है, तो जरूर से इसको नोट डाउन कीजिएगा सर। बात करते हैं, एक बार प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन करने के बाद में आप उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप उसको ये डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने क्या किया, इनकम को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी इनकम आई थी, जैसे कि लैंड को रेंट कर दिया। और एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट जो आया उसको आपने क्या किया, लोगों को दिया और उनसे क्या लिया, रुपया लिया। और फिर कंजम्पशन है ना, तो सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन के सॉरी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज से कंजम्पशन होता है और उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सर। तो देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर का, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है, इनोवेशन करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करना, रुपए पैसे कमाना या फाइनेंस लेकर आना। तो सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर का, वो होता है आपका इनोवेशन। सर जितने भी जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए एड कर रहा हूँ या फिर एड करता रहूंगा, वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को ऐड करने का प्रॉफिट क्या होता है कि ये क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर प्रोडक्शन इफिशियंसी, देखो प्रोडक्शन इफिशियंसी का मतलब भी होता है सर कम से कम कॉस्ट के ऊपर काम करना और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना बिना किसी तरह का वेस्ट किए हुए। तो गुड्स और सर्विसेज को आप एक लीस्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस करते हो बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट किए हुए। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ, देखो जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उससे आप गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करते हो, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोडक्शन। इसको क्या कहा जाता है सर, प्रोडक्शन इसको कहा जाता है सर। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केयरसिटी डेफिनेशन और ग्रोथ डेफिनेशन सर। अब इन चारों चीजों से रिलेटेड पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप उनको जरूर से याद कीजिएगा क्योंकि ये चारों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एग्जाम के अंदर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर पूछी जाती है। जो वेल्थ डेफिनेशन है वो दी थी सर एडम स्मिथ ने, किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और इन्होंने किताब लिखी है एडम स्मिथ ने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक इन्होंने कब लिखी है, 1776 में। सर जो चारों बातें बताई है मैंने, ये चारों की चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही कहा था जो नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं सर। तो वेल्थ डेफिनेशन को दिया किसने था, एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। और तीसरी बात है कि सर इन्होंने किताब लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और चौथी बात है कि किताब कब लिखी गई थी, 1776 में लिखी गई थी। वेलफेयर जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी आपके लिए अल्फर्ड मार्शल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी, या फिर चारों इधर आके चारों को मैच करने का क्वेश्चन आ गया। वेलफेयर डेफिनेशन दी आपके लिए अल्फर्ड मार्शल ने एक किताब लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये किताब कब लिखी थी इन्होंने, 1870 के अंदर। स्केयरसिटी की डेफिनेशन दी है आपके लिए, क्या डेफिनेशन कहती है अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको तो आप जरूर से देखिएगा। ये दी थी रॉबिन्स ने स्केयरसिटी की डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने, इन्होंने किताब लिखी थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का नेचर के ऊपर उन्होंने एक एसे लिखा था, 1932 के अंदर ये किताब आई थी सर। ग्रोथ डेफिनेशन जो थी वो दी थी आपके लिए सैमुएलसन ने। ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी, सैमुएलसन ने दी थी। सैमुएलसन ने किताब लिखी थी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, 1948 के अंदर उन्होंने किताब लिखी थी। अब देखो सर आप देख रहे होंगे सबसे पहले वेल्थ वाला आया था, वेल्थ के बाद में वेलफेयर डेफिनेशन आई थी, वेलफेयर के बाद में स्केयरसिटी डेफिनेशन आई थी और स्केयरसिटी के बाद में ग्रोथ डेफिनेशन आपके आई थी सर। ठीक है, तो यहां पर जो बातें हैं वो जरूर से आप याद रखिएगा। हु पब्लिश द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशन, जो नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशन बुक किसने लिखी सर, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशन बुक लिखी थी आपके लिए एडम स्मिथ ने। अल्फ्रेड जो मार्शल थे वो किससे रिलेटेड थे, अल्फ्रेड जो मार्शल थे वो आपके रिलेटेड थे वेलफेयर से, वेल्थ से रिलेटेड थे आपके एडम स्मिथ, वेलफेयर से रिलेटेड थे आपके अल्फर्ड मार्शल, स्केयरसिटी से रिलेटेड थे आपके लिए रॉबिन्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थे आपके लिए सैमुएलसन।
फीचर्स ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो बुक लिखी थी ना वेल्थ ऑफ नेशन वाली, ये किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। अब इसके बारे में आपको कुछ बातें बताई गई है, आपको बताना है कि कौन सी बातें सही है कौन सी बातें गलत है। इट वॉज फर्स्ट यूजर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यस सर, सबसे पहली किताब लिखी गई थी 1776 में, सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन ही आई थी एडम स्मिथ की। और इट वॉज क्रिएटेड इन 1776, इट इज आल्सो नोन एज द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। सर तीनों की तीनों बातें यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अवो आर राइट सर। अब चारों की चारों जो डेफिनेशन है वो हम इसको यहाँ पर फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। वेल्थ डेफिनेशन, अब देखो वेल्थ डेफिनेशन क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। इकोनॉमिक्स वो साइंस है एडम स्मिथ ने कहा जो कि वेल्थ से रिलेटेड है, मतलब कि सिंपल सी बात ये कहता है कि सर जो भी पर्सन होता है वो रुपए पैसे के लिए ही काम करता है, रुपए पैसे ही उसको चारों तरफ दिखते हैं, अगर जिस काम में रुपए पैसे दिखता है वो उसके लिए काम करेगा, जिस काम में रुपए पैसे नहीं दिखता है वो उसमें काम नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स इज स्टडी स्टडी साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, ये एक स्टडी है जो कि साइंस ऑफ वेल्थ की स्टडी करती है, ये कहा था सर JBCN ने। और ये डेफिनेशन एग्जाम के अंदर खूब बात पूछ जाती है क्योंकि लोग एडम स्मिथ की तो डेफिनेशन याद करके चले जाते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ, लेकिन इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो कि साइंस ऑफ जो वेल्थ का जो साइंस है, क्या लोग रुपए पैसे के लिए क्यों काम करते हैं उसकी स्टडी करता है, ये कहा था आपके लिए JBCN ने। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? वेलफेयर डेफिनेशन दी थी आपके लिए अल्फर्ड मार्शल ने। अब इन्होंने कहा कि यस मानता हूं कि सर, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आदमी रुपए पैसे के लिए काम नहीं करता, ये मानते हैं कि सर रुपए पैसे के लिए काम करता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक सोसाइटी का पर्सन होता है, उसको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच द मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद यूज ऑफ द मेटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेल बींग्स। यानी ये कहता है कि सर इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक ऐसे पर्सन की बात करता है जो कि रुपए पैसे के काम के लिए समाज के अंदर भी रहता है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी क्या करता है, डीलिंग करता है। यानी कि यहाँ पर तो कहता है सर अगर आप किसी भी पर्सन को कहोगे कि 100,000 रुपया ले ले और मर्डर करके आ जा, वो मर्डर करके आ जाएगा, लेकिन वेलफेयर के अंदर कहोगे कि 100,000 रुपया ले ले और मेरे घर की साफ सफाई कर दे तो वो साफ सफाई तो कर देगा, लेकिन 100,000 रुपया ले ले किसी का मर्डर कर दे लेकिन वो मर्डर करके नहीं आएगा, क्योंकि सर वो खुद पर्सन नहीं था, वो सोसाइटी के अंदर रहता है, उसको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। स्केयरसिटी डेफिनेशन, इसको रॉबिन्स की डेफिनेशन कहा जाता है सर, काफी इंपॉर्टेंट है, इसने इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ये कहता है कि सर जो आदमी की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं और उनको पूरी करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स है जो वो लिमिटेड है, मतलब कि आवश्यकताएं तो अनलिमिटेड है और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है सर। तो ये इन दोनों के बीच में डिसीजन, ये इन दोनों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि जो रिसोर्सेज है उनके काफी सारे ज्यादा यूज है, अल्टरनेटिव यूजेस काफी सारे हैं सर, तो किस तरह से उसका यूज किया जाए ताकि मैक्स टू मैक्स जो ह्यूमन वॉन्ट्स होते हैं उसको हम पूरा कर सके सर। तो ये स्केयरसिटी किस रिलेशन में कहा है कि क्या स्केयरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड होना, क्या लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन उनके जो यूजेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होती है, जो डिमांड होती है, जो वॉन्ट्स होती है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। ग्रोथ डेफिनेशन, अगेन ग्रोथ डेफिनेशन जो स्केयरसिटी डेफिनेशन थी इसी का ही एक बड़ा रूप है, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि इस तरह से आपको रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना चाहिए, एलोकेशन पे ज्यादा ध्यान देता है, ताकि हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूज करके मैक्स टू मैक्स सेटिस्फेक्शन लोगों को दे पाए, मैक्स टू मैक्स जो वॉन्ट्स होती है वो लोगों की पूरी कर पाए। तो ये चार डेफिनेशन आपके सामने आती है। इकोनॉमिक्स इज ए न्यूट्रल्स बिटवीन एंड सेड बाय, अब ये न्यूट्रल्स बिटवीन एंड, एंड्स बोले तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं और जो रिसोर्सेज होती है उनके बीच में रिलेशन बताता है, ये किसने कहा था आपके लिए, रॉबिन्स ने कहा था सर, ठीक है। Who said, who has defined the science which deals with the wealth? ये किसने कहा सर, ये एक साइंस है जो कि डील करती है वेल्थ के साथ, ऊपर आइएगा, साइंस विच डील विद द वेल्थ, ये कहा था सर आपके लिए एडम स्मिथ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर JBCN की जगह पर आप इसको कर दिए ना एडम स्मिथ। नेक्स्ट देखना इकोनॉमिक्स, एक मिनट रुकिएगा, ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि दो बार आ चुका है आपके लिए ये।
हाँ एडम स्मिथ की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि डील करती है वेल्थ के साथ, साइंस विच डील विद द वेल्थ। ये किसने कहा था? अगेन एडम स्मिथ ने कहा था सर। जो रॉबिन्स है उन्होंने क्या क्या बातें कही है एक्सेप्ट किस, देखो उन्होंने कहा है कि जो स्केयर होते हैं, स्केयर मींस, उन्होंने स्केयर का मतलब बताया था, यस लिमिटेड एंड्स, लिमिटेड एंड्स मतलब कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो लिमिटेड हैं। स्केयर मींस के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इकोनॉमिक एक साइंस है, इकोनॉमिक साइंस और आर्ट है तो सबने कहा था, तो ये साइंस है। अल्टरनेटिव यूजेस भी बताए थे, स्केयर मींस मतलब जो रिसोर्सेज हैं, स्केयर मींस का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। देखो ए का मतलब है कि सर जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स के अंदर वो लिमिटेड हैं बिल्कुल, और उनके अल्टरनेटिव यूज हैं। लेकिन सर वॉन्ट्स, एंड्स का मतलब होता है वॉन्ट्स, क्या वॉन्ट्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? वॉन्ट्स अनलिमिटेड है सर, तो लिमिटेड एंड्स उन्होंने नहीं कहा था सर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की सर। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को बात करते हैं, इंट्रोड्यूस किसने किया था इसको, क्या था? रेगनर फ्रेसिक, है ना, फ्रेसिक, रेगनर फ्रेसिक ने इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था कि यार हम पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। छोटे लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे तो माइक्रो होगा, बड़े लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे तो मैक्रो होगा। किसने कहा था? रेगनर फ्रेसिस ने। ही इज द प्रोफेसर ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी, ये प्रोफेसर वगैरह थे जिन्होंने कहा कि माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल के ऊपर इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर सकते हैं सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड आया है मिक रोज से, एक ग्रीक वर्ड आया मिक रोज से, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो मिकी माउस से सर। मिकी माउस याद है ना सर, मिक से मिकी माउस, मिकी माउस क्या था? छोटा सा था सर, तो मिकी माउस क्या था? छोटा सा था। तो यहाँ पर अगर सर पूछे कि भाई सर माइक्रो वर्ड कहाँ से आया है, तो माइक्रो आया है मिक रोज से, जिसका मतलब होता है बहुत छोटा या इस मिलियंथ पार्ट किसी भी चीज का। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ये इसमें क्या करता है, हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेगा। हम इसके अंदर बात करते हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, एक प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर फर्म या एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी सर। मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डेवलप किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप ज्यादातर जो कंसेप्ट देखोगे सर वो मार्शल ने ही डेवलप किए थे। मार्शल के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो दैट्स कॉल्ड पर्टिकुलर कंज्यूमर्स किस तरह से डिमांड करेगा, दैट्स कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड किस तरह से होगी, दैट्स कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर क्या क्या कहता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और ये देखता है कि कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे पाता है, एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं सर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड की, इंडिविजुअल प्राइजेस की, वेजेस की, इनकम की, एक पर्टिकुलर पर्सन क्या इनकम कमा रहा है, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में सर, जैसे कि इंडिविजुअल के बारे में कि जैसे कि हमने कह दिया लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा करता है, प्राइस ज्यादा होने पर डिमांड कम करता है सर। तो हमने यहाँ पर स्टडी की एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड, किसके अंदर आ गया, माइक्रो के अंदर। एग्रीगेट डिमांड, पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा विश्व जो एग्रीगेट डिमांड करता है वो किसके अंदर आ गया, आपके लिए मैक्रो के अंदर आ गया, एक बड़े लेवल के ऊपर। बात करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम के बारे में जानते हैं, दैट्स कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं, दैट्स कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक इंडिविजुअल के, चाहे वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, उनके जितने भी जो डिसीजन होते हैं सर वो डिपेंड होते हैं प्राइजेस के ऊपर। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो काफी हद तक प्राइजेस से, जो किसी भी पर्टिकुलर चीज की प्राइस क्या होगी उससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है। इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है सर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम आप जरूर से लिख लीजिएगा, क्या नाम है दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी। बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज आती है,
अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी कि एक इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोगों का वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर इसको आप बोल सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यानी कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि सर जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो लो हैं उनका हम पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्हाट इज नॉट कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती है, एक प्रोडक्ट की प्राइस, यस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने घटने से काम होता है, एक फैक्टर की, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं उनकी प्राइस, और स्टडी ऑफ फर्म्स, एक इंडिविजुअल फर्म्स की, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। जनरल प्राइस लेवल सर, जितनी भी जो जनरल प्राइस जनरल चीजें होगी वो सब किसका पार्ट होती है, मैक्रो का। एक्सप्लेनेशन आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग की, कंज्यूमर बिहेवियर की, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, फैक्टर्स की प्राइसिंग के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शनल ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर पीपल सेक्शन के पीपल की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, फर्म्स की स्टडी करते हैं, एक इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन होती है उसकी स्टडी हम करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, यस पूरी जो इकोनॉमी की स्टडी ना करके एक इकोनॉमी के इंडिविजुअल पार्ट की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसकी भी नहीं करते, चॉइस मेकिंग भी नहीं होता। व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना, स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर मैन, देखो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बोलो तो पूरे देश की इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में नहीं सर, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेन या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की जो इकोनॉमिक्स उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी हम स्टडी करते हैं सर, कि सर उसकी अगर इनकम कम है तो वो डिमांड कम कर देगा, इनकम ज़्यादा होगी तो वो डिमांड ज़्यादा कर देगा सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड आता है वो आता है आपके एक ग्रीक वर्ड मैक्रोज से, तो मैक्रोज का मतलब होता है बहुत बड़ा, मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज या बहुत बड़ा सर। तो अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, हम सिंगल यूनिट का हम स्टडी ना करके हम एग्रीगेट जो यूनिट्स होती है उसकी स्टडी करते हैं, एक एक कंज्यूमर की स्टडी ना करके हम सभी कंज्यूमर्स की एक साथ स्टडी करते हैं, एक एक फर्म की हम स्टडी ना करके सभी फर्मों की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सर। जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम की बात ना करके हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, टोटल कितना आउटपुट किया, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, टोटल कितना कंजम्पशन किया, एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन की बात ना करके हम यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल कितना कंजम्पशन हुआ है सर। आई होप आपको समझ में आया होगा सर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप बता दिए सर, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है, नेशनल इनकम शामिल होता है, एम्प्लॉयमेंट शामिल होता है, टोटल आउटपुट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है सर। बोथ माइक्रो एंड मैक्रो आर द इंटरडिपेंडेंट, सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड्स देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस कब से आई है सर, 1930 के बाद में जब इकोनॉमिक्स प्लान वगैरह बनने की जो स्टार्टिंग हुई थी वहां से इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस आई है सर। बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को आप कह सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस क्या कह सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, एप्लीकेशन है, जो भी इकोनॉमिक्स जो कंसेप्ट आपने पढ़े, इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज पढ़ी, इकोनॉमिक्स जो टूल्स पढ़े, इकोनॉमिक्स के जो मेथड पढ़े, उनको एक बिजनेस के अंदर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने में आपने क्या किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने लो ऑफ डिमांड पढ़ रखा है कि कंज्यूमर क्या करेगा, प्राइस जब कम होगी तो डिमांड ज़्यादा करेगा, प्राइस कम ज़्यादा कम हो ज़्यादा होगी तो डिमांड कम करेगा। हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमारे नोट्स की सेलिंग, देखो अब मैं अपने नोट्स के भी एग्जांपल देता हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये सब रियल एग्जांपल है सर, ये एग्जांपल इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट हो हमारे साथ, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमको लो ऑफ डिमांड पता था कि यार अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी सर। तो हमने क्या किया, मार्केट के अंदर सभी के नोट्स की स्टडी की कि भाई कौन कितने में नोट्स दे रहा है, क्या हार्ड कॉपी नोट्स दे रहा है या पीडीएफ नोट्स दे रहा है, क्या नोट्स के अंदर कंटेंट है, और फिर हमने उनसे सबसे अच्छे नोट्स बनाए और उनकी जो प्राइस है वो कम रखी ताकि हमारी डिमांड ज़्यादा हो सके। तो मतलब कि हमने क्या किया, एक जो लो ऑफ डिमांड था उस कि हम अपने नोट्स को कैसे ज़्यादा सेल आउट कर सके, उसको हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर
जो बिजनेस प्रॉब्लम थी कि यार नोट्स को ज्यादा सेल आउट करना है कैसे करें, वहां पर हमने उसको अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सर मैनेजरियल जो इकोनॉमिक्स है इसको दिया किसने था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को देने वाले थे आपके लिए जोएल डीन। सर जोएल जो डीन थे, जो अगर बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को दिया किसने था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को दिया था जोएल डीन ने। सर जोएल डीन ने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक लिखी थी सर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बाय जोएल डीन। और ये बुक कब आई थी, ये भी आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा गया है। ये बुक आई थी सर आपके लिए 1951 के अंदर। कब आई थी, 1951 के अंदर आपके लिए ये बुक आई थी सर। ठीक है, बात करते हैं अब हम, हाँ ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंबाइंस द इकोनॉमिक थ्योरी। ये सर ये लाइन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है सर मैनेजरियल जो इकोनॉमिक्स है या बिजनेस जो इकोनॉमिक्स, इसको किसने डेवलप किया, इसको क्या था, जोएल डीन ने। जोएल डीन ने एक बुक लिखी थी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की 1951 के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछा गया आपके एंटीनेट जून के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक नेचर कौन डेवलप नहीं बताता, बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, हम क्या करते हैं जो जो थ्योरी होती है उसको हम प्रैक्टिस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी लाइक रेंट वेजेस इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रॉफिट ऑफ थ्योरी यूज द टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस इन क्लेरिफाइंग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इन कंपेयरिंग अल्टरनेटिव यूजेस। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी का यूज़ करते हैं और उनको अलग अलग तरह से, उनको किस तरह से हम अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं उसका एवोल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस, इकोनॉमिक जो थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर लेकर आना। लेकिन इसके अंदर ये जो रेंट की थ्योरी, वेजेस की थ्योरी, इसको इससे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होती है सर। क्यों, क्योंकि ये जितनी भी जो होती है सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं, थ्योरी रेंट वाली, वेजेस वाली, इंटरेस्ट वाली, है ना। और बिजनेस जो इकोनॉमिक्स होती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आंसर हो जाएगा आपके लिए बी। क्वेश्चन देखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टूल सेंट्रिक्स फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। सर ये बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है सर, डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल हेल्प कर सकती करती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो थ्योरीज होती हैं उनको हम बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं उनके डिसीजन को लेने के लिए। इट प्रोवाइडेड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यहाँ पर एनालिटिकल करते हैं कि किस तरह से हम उनका यूज़ करें सर। तो बोथ ए एंड आर द राइट। आपको यहाँ पर, अब देखो बुक्स को ईयर वाइज आपको जमाना है। अब देखो सर यहाँ पर इतनी सारी किताबें दी गई है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ आपको किस किस किताब के बारे में पता है। सैमुएलसन ने इकोनॉमिक्स की किताब लिखी थी, यस सर लिखी थी 1948 में। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लिखी थी जोएल डीन ने, कब लिखी थी, 1951 में। मतलब कि सर सी और डी, मतलब पहले सी आएगा और उसके बाद में डी आएगा सर, पहले सी आएगा और उसके बाद में डी आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी सी आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा सर, है ना। तो आपको बाकी वाले ईयर्स भी ध्यान रखने हैं सर। जो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड ऑपरेशनल एनालिसिस, ये कब दी गई थी, ये दी गई थी 1961 के अंदर। एंड इंट्रोडक्टरी टू द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई थी 1963 के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपके लिए सी डी, आंसर हो जाएगा आपके लिए सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद में आएगा डी, और उसके बाद में आएगा ए, और उसके बाद में आएगा सर बी। सी डी ए बी आंसर हो जाएगा सर आपके लिए, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं सर पॉजिटिव साइंस की। अब देखो ये साइंस क्या होती है और ये आर्ट्स क्या होती है उसके बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे नहीं, सबको ही पता होता है साइंस क्या होती है सर, जो रीजंस और कॉजेज के बारे में बताती है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है कि सर पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। बिल्कुल एक वर्ड में सीख लीजिएगा, पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है क्या है, और ये बताता है क्या होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइंस तो बता देगी कि भाई इंडिया के अंदर क्या है, अभी
एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लास्ट के 45 इयर्स को अगर हम बात करते हैं तो सबसे पिछले 45 सालों में से सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है वो अभी आया है सर। तो ये बताती है पॉजिटिव सेंस, मतलब कि क्या है, ठीक है। नॉर्मेटिव सेंस बताती है कि सर इतना नहीं होना चाहिए, आपको क्या देना चाहिए, रोजगार देने चाहिए आपको, लोगों को नौकरियां वगैरह देनी चाहिए, ये होती है सर आपके लिए नॉर्मेटिव साइंस। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव साइंस बताती है कि क्या है, यह वैल्यू जजमेंट डिसीजन नहीं लेती है कि क्या होना चाहिए, ये बताती है क्या है, ये नहीं बताती क्या होना चाहिए। ये जो चीज़ें जैसी होती है उसको सर वैसा का वैसा बता देती है, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहती है सर। आई बात समझ में? और जो रॉबिन्स है उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स वो है एक पॉजिटिव साइंस है। रॉबिन्स ने खुद की डेफिनेशन दी थी स्केयरसिटी की, वो साफ साफ बताते थे कि सर ये रिसोर्सेज हैं, आपकी रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, कैसे करोगे सर, रिसोर्सेज का ध्यान थोड़ा सा ध्यान दो सर, है ना। ऐसा थोड़ी ना कहा उन्होंने कि सर रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तुम्हारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। तो जो रॉबिन्स थे वो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? नॉर्मेटिव साइंस बताती है कि क्या होना चाहिए, वॉट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, देश में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए, देश में अमीरी होनी चाहिए सर, है ना। ऐसी बातें बताती है सर नॉर्मेटिव साइंस सर, है ना। ये बताती है वैल्यू जजमेंट के बारे में बताती है, ये नहीं देखता है कि इट डील्स विद द गुड्स बैड राइट और रॉन्ग, सिंपल सी बात क्या सही है क्या गलत है ये बताती है सर, क्या है वो नहीं बताती सर, है ना। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरह की नॉर्मेटिव साइंस है, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर वाली डेफिनेशन दी थी ना सर। अल्फ्रेड मार्शल ने किसकी डेफिनेशन दी थी? वेलफेयर की। और वेलफेयर तो किससे किसको बताता है कि सर क्या होना चाहिए, किस तरह से लोगों का कल्याण होना चाहिए। इकोनॉमिक्स सर दोनों की दोनों है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव साइंस दोनों की दोनों है, आपको याद रखना चाहिए। इकोनॉमिक्स विच कंसर्न विद द वेलफेयर, अब देखो आगे सर, इकोनॉमिक्स जो कि वेलफेयर से कंसर्न करती है, वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी? मार्शल, और मार्शल ने कहा था सर इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह की नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है जो कि बताती है कि क्या होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो बताते हैं वेलफेयर के बारे में, ये बताता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वेजेस किस तरह क्या होना चाहिए कि ताकि लोग अपना पेट भर सके, तो नॉर्मेटिव साइंस करेक्ट ऑप्शन है। पॉजिटिव साइंस बताती है कि व्हाट इट इज़, क्या है सर, ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में नहीं बताती है सर। तो इस वीडियो के अंदर से इतना ही, अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिडक्टिव मेथड के बारे में और इंडक्टिव मेथड के बारे में सर, और वहाँ पर मैं अगेन सर पॉलिटिकल एग्जांपल लूँगा सर। पॉलिटिकल एग्जांपल मेरा कोई, मेरे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, लेकिन पॉलिटिकल एग्जांपल लेने से ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी सर। तो बिल्कुल जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि हम आपको एंटी नेशनल मान लेंगे, देशद्रोही मान लेंगे सर, बिल्कुल ऐसा मत मानिएगा सर, है ना। और यहाँ पर हम पढ़ने आए हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।